तो पबजी के हाल चाल है। तो यार तुम्हारा भाई आ चुका है फ्रेश और नया इंटरेस्टिंग वीडियो में, और आज की कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब जैसा आपको पता होगा मेरा सीजन 10 स्टार्ट हो चुका है, और जो बंदे पुश करने वाले कोंगर सबने पुश करना शुरू कर दिया है। अब उनको एक मतलब बात आ रही कि इस बार सीजन 10 में कोंगर पुश करने कितने पॉइंट चाहिए, वो आके मेरे से पूछ रहे हैं इंस्टाग्राम पे व्हाट्सअप पे कि भाई इस बार सीजन 10 में कितने पॉइंट चाहिए कोंगर जाने के लिए, हम कोंगर पुश कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे उसी के बारे में कि आपको कितना पॉइंट चाहिए सीजन 10 में कांग्रेस जाने के लिए। तो यार ये वाली वीडियो आप देख लो, आपको पक्का पता लग जाएगा आपको कांग्रेस जाने के लिए कितना पॉइंट चाहिए। आप अपने मोबाइल में अपने गेम में चेक कर सकते हो कि आपको कितना पॉइंट चाहिए। आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो यार बस वीडियो एंड तक देखना, तभी समझ में आएगा। स्किप करोगे भाई घंटा कुछ समझ में नहीं आएगा, समझ रहे हो। और बाकी का मैंने वीडियो बना के रखा है, जैसे कि आपको कौन सा मैप खेलना चाहिए कांग्रेस पुश के लिए, आपको कैसे खेलना चाहिए, हमने सारी वीडियो बना के रखा है। तो जाओ चैनल को चेकआउट कर लेना ये वीडियो के बाद, और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, हमारे चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साइड में जो घंटा उसको दबा देना। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो करते स्टार्ट एक छोटे से इंट्रो के बाद। एक और बात बता रहा, मैं आपको भूल रहा था कि देखो मुझे आ जाके इंस्टाग्राम पे आप डेली मैसेज करोगे कि भाई आज कितना पॉइंट चेक होंगे जाने के लिए, आज कितना पॉइंट चेक होंगे जाने के लिए। तो मैं आपको डेली पॉइंट बताऊंगा कि भाई आज का कितना पॉइंट चाहिए। मैं स्टेटस डाल दूंगा, स्टोरी डाल दूंगा कि भाई आज कांग्रेस जाने के लिए इतना पॉइंट चाहिए, कल कांग्रेस, मतलब वही मतलब डेली मैं बता दूंगा कि भाई आपको कांग्रेस जाने के लिए कितना पॉइंट चाहिए आज के डेट में, समझ रहे हो। तो आओ इंस्टाग्राम पे भाई, वहाँ पे मैसेज करो, पूछो हमसे, हम आपको बताएंगे। तो अभी बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। तो यार यहाँ पे मैंने अपना पबजी ओपन कर लिया है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको मतलब गेम में आप चेक कर सकते हो कि आपको कितना पॉइंट चाहिए कॉन्कर जाने के लिए। तो बस ये देखो, ये ट्रिक मैं बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ, पता नहीं कितने वीडियो में बताया मैंने, जितने मैंने वीडियो कॉन्कर के बनाए हैं सब पे बताया है। तो वो वीडियो जाकर आप चेकआउट कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा सबका सब, मतलब और भी चीज़ें। ये तो मैं ये ट्रिक तो मैं इसी में बता दे रहा हूँ, समझ रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले अपने यहाँ पे सीजन ओपन कर लेना है। सीजन अभी अभी स्टार्ट हुआ है, सबको पता है मैं इस पे था प्लेटिनियम पे आ गया हूँ। आप भी अगर इस पे थे या फिर कॉन्करर पे तो आप भी नीचे, मतलब आपका टीयर रिसेट होगा डाउन, प्लेटिनियम पे तो हो गया आप, समझ रहे हो, बस थोड़ा बहुत आ गया इधर उधर। तो आपको यहाँ पे देख लेना कि आपके पास कितना पॉइंट है। यहाँ पे देखो मेरा पॉइंट कितना है, 2900। ये देखो 2900 मेरे पास ऑलरेडी पॉइंट है, क्योंकि मैं प्लेटिनियम पे हूँ। आप प्लेटिनियम से नीचे होंगे तो आपके पास कम पॉइंट होंगे, प्लेटिनियम से थोड़ा आगे होंगे तो आपके पास ज़्यादा पॉइंट्स होंगे। तो ये पॉइंट तो सबसे पहले फंडा आता है, हर वीडियो में बंदे पूछते हैं कि भाई पॉइंट आते कहाँ से, ये पॉइंट्स कहाँ से लाते हो आप। तो भाई मैं ये पॉइंट कैसे लाता नहीं हूँ, मैं गेम खेलता हूँ। जैसे सोचो हम गेम खेलते हैं ना, तो हम गेम खेल के बाहर आते हैं तो हमें 20 प्लस मिलता है, 30 प्लस मिलता है, ये वही पॉइंट्स है। अभी सोचो कि मैं एक गेम खेलने गया और गेम खेल गया मुझे 20 प्लस मिले, तो ये मेरा जो 2900 पॉइंट है यहाँ पे 20 ऐड हो जाएगा और मेरा 2920 हो जाएगा, समझ रहो। और वही 20 माइनस हो गया तो यहाँ पे 2880 हो जाएगा। ये वही पॉइंट है जो कि हम, एक मिनट थोड़ी हिचकी आ रही है मुझे, ओके। तो ये वही पॉइंट है जो कि मतलब गेम खेलते हैं और हमें मिलते हैं पॉइंट्स, माइनस होते तो कम हो जाते हैं, प्लस होते तो ज़्यादा हो जाते हैं, और इसी पॉइंट के बेस पे हम आगे जाते रहते हैं। अभी हम प्लस मतलब गेम खेलते रहेंगे, प्लस होते जाएगा तो हम प्लेटिनियम, डायमंड, क्राउन, एस तक पहुँच जाएंगे। हमें एस जाने के लिए कितना पॉइंट चाहिए होता है, 4200 पॉइंट, और मेरे पास कितने पॉइंट है, 2900 पॉइंट। तो 2900 और 3000 और मतलब 1300 और पॉइंट मैं ले लूँगा तो मैं एस पे पहुँच जाऊँगा। तो 1300 पॉइंट लेने के लिए मुझे गेम खेलने पड़ेंगे, तो मेरे पास 42 पॉइंट हो जाए तो मैं एस पे पहुँच जाऊँगा। कॉन्कर जाने के लिए दो रूल लगते हैं, एक तो आपको एस पे होना चाहिए और दूसरा आपको एशिया के टॉप 500 के अंदर होना चाहिए, टॉप 500 में होना चाहिए। अब ये टॉप 500 क्या है, तो मैं आपको दिखाता हूँ भाई टॉप 500 क्या है। तो आपको क्या करना है, जो कि देखो ये बीसी वाला एरिया दिख रहा है ना, ये वाला जहाँ पे हमारा बीसी होता है, उसके साइड में आपको तीन लाइनें दिख जाएंगी यहाँ पे, ये रही, ठीक है। तो आपको वहाँ पर क्लिक करना है, आपको आके यहाँ पे अपना सोलो डुओ स्क्वाड जो भी जिसमें आप चेक करना चाहते हो कि आपको पॉइंट कितना चेक होंगे जाने के लिए, तो आप यहाँ पे, मेरी हिचकी की बारी है, पता नहीं क्या चल रहा सीन यार। तो यहाँ पे डुओ सोलो और स्क्वाड होता है, तो आपको जो चेक करना है आप वो सेलेक्ट कर लेना भाई, मतलब पता नहीं क्या सीन है, हिचकियाँ बहुत आ रही है। तो मैंने यहाँ पे स्क्वाड सेलेक्ट कर लिया है, सर्वर आप सेलेक्ट कर लेना कि आपको कौन सा सर्वर में पुश कर रहे हो, और साउथ अमेरिका, एशिया या फिर यूरोप। तो मैं आपको एशिया में बताता हूँ। आप यहाँ पे दो ऑप्शन और मिलेंगे, एक फ्रेंड का और एक सर्वर का, तो आपको सर्वर में सेलेक्ट रखना है और उसके बाद से मतलब सर्वर में आपको रखना है, ठीक है। आप देखो मतलब क्या बोलते हैं, 500 बंदे आपको मैं दिखाता हूँ कि 500 बंदे कौन होते हैं। तो ये टेस्ला जोड है, ये एक नंबर पे पूरे इसे सर्वर में स्क्वाड मोड में एक नंबर पे है ये बंदा, इसका नाम ही नहीं दिखा रहा। ये दो नंबर पे है, ये जो बंदी है स्वीटी नाम है इसके, एजेंट स्वीटी, ये तीन नंबर पे है, ये चार नंबर पे है, ये पांच नंबर पे है। ऐसे करके
500 जो बंदे होते हैं, मतलब 500, एक से लेकर 500 तक के बंदे, वही कांग्रेस जाते हैं, जो कि एशिया के टॉप में रहते हैं, एशिया के टॉप 500 में रहते बंदे वही कांग्रेस जाते हैं, ठीक है। अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे पता करना है कि आपको कितना पॉइंट चाहिए कांग्रेस जाने के लिए। तो यहाँ पे आते हैं और आप ऐसे स्क्रॉल कर लेना, और जो ये टॉप 100 वाला बंदा है, अब देखो ये बंदा क्राउन पे ये कांग्रेस नहीं गया, क्योंकि देखो जैसे मैंने कहा कि एसपी जाने के लिए आपको 4200 पॉइंट चाहिए, और ये बंदे कितने पॉइंट है 3900, सोच रहे हो, यानी और ये 300 पॉइंट ले लेता है तो ये एस पे पहुंच जाएगा, और ये एशिया का टॉप 500 में ऑलरेडी है, क्योंकि 100 वाला बंदा है, अभी इसके नीचे भी 400 बंदे हैं, समझ रहे हो, तो ये टॉप 500 में तो ऑलरेडी है, और बस इसको एस तक पहुंचना है, तब जाके कांग्रेस पहुंच जाएगा। अब इसके पास 3900 पॉइंट है, अगर आज ये 4200 कर लेता है तो एस पे पहुंच जाएगा आज, और कल सुबह कांग्रेस हो जाएगा इसका, अगर ये आज 12 बजे से पहले, मतलब वही 12 बजे से पहले अगर ये 4200 पॉइंट कर लेता है, तो अगर एस पे पहुंच जाता है आज ये, तो कल ये कांग्रेस होगा, समझ रहे हो। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे टारगेट करना है ये वाले पॉइंट को। अब इसके नीचे भी 400 बंदे हैं, आपको यहाँ तक आने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा नीचे भी रहोगे, यानी 300 पे रहोगे, फिर 500 पे भी रहोगे तो चलेगा, पर यहाँ पे 500 वाले बंदे का पॉइंट दिखता नहीं है, तो हम कैसे टारगेट करेंगे भाई आपको कितना पॉइंट चाहिए। तो इसलिए 100 वाले बंदे को टारगेट कर लेते हैं कि इसका 3900 पॉइंट है, तो हमें भी 3900 पॉइंट करना होगा कांग्रेस जाने के लिए। पर यहाँ पे क्या सीन है, देखो ये बंदा क्राउन पे है इसलिए कांग्रेस नहीं गया है, ये एस कर ले तो ये पॉइंट इसके बढ़ जाएंगे, एटलीस्ट 4200-4300 हो जाएंगे, तभी कांग्रेस पहुंच जाएगा। तो आप अभी तो फिलहाल में क्राउन पे है, तो आप यहाँ पे आकर चेक कर लेना कि आपका पॉइंट क्या दिखा रहा है। मेरे पास 2900 पॉइंट थे जैसे मैंने बताया, ठीक है 2900 पॉइंट मेरे हैं, मैं प्लेटिनियम पे हूँ, यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे एटलीस्ट आज की बात करूँ, आज की 2 तारीख की बात करूँ, तो आपको 4200 पॉइंट चाहिए जाने के लिए, और मेरे पास ऑलरेडी 2900 है, तो मुझे 1300 पॉइंट चाहिए जाने के लिए। मैं 1300 पॉइंट ले लेता हूँ आज, तो मैं कल कांग्रेस पहुँच जाऊँगा, पर ये पॉसिबल नहीं है 1300 पॉइंट एक दिन में लेना, यार तेल निकल जाएगा, समझ रहे हो, और मैं वैसे पुश कर नहीं रहा। तो आप आना यहाँ पे, आप चेक कर लेना कि आपका पॉइंट कितना है और ये 100 वाले बंदे का पॉइंट कितना है, अगर इसका ज़्यादा है तो आपको इसको इतना करना होगा, ठीक है। पर ये जब कांग्रेस कल पहुँच जाएगा, यहाँ पे आपको एक बंदा दिखेगा कांग्रेस वाला, यही नहीं कोई और भी दिख सकता है, कल आना यहाँ पे, मतलब वही आप चेक कर लेना, यहाँ पे आपको कांग्रेस वाला बंदा दिखेगा 100 पे, ठीक है। और उसके जितने पॉइंट है आपको उतने पॉइंट करने होंगे, और आपको जल्दी जल्दी करना होगा, आपको ज़्यादा मैच जल्दी जल्दी खेलने होंगे। देखो ये जितना ज़्यादा लेट करोगे ना भाई, उतना ये पॉइंट बढ़ता जाएगा, फिर आपका तेल निकलता जाएगा, ठीक है। अभी फटाफट या दबा के गेम खेल लो, दबा के पॉइंट ले लो, और हारना नहीं ज़्यादा, मतलब माइनस मत करना ज़्यादा, नहीं तो और ज़्यादा टाइम लगेंगे। दबा के गेम खेल के पॉइंट ले लो और पहुँच जाओ कांग्रेस, समझ रहे हो। अब ऐसा ईजी भी नहीं है इतना, पर ज़्यादा भारी भी नहीं है, मतलब ज़्यादा बड़ा चीज, मियाँ खलीफा बोल रहे हो, बुर्ज खलीफा नहीं है, जहाँ जाना मुश्किल है, समझ रहे हो, कांकरर है भाई, हो जाएगा। तो आपको मियाँ खलीफा, चलो कोई नहीं, समझ रहे हो। तो आपको यहाँ पे आना है, 100 वाले बंदे का पॉइंट चेक करना है, उसका पॉइंट जीतना है, और आपका पॉइंट जीतना है, जितना इससे आपका पॉइंट कम है आपको इतना पॉइंट करना पड़ेगा, तो जितना पॉइंट कम पड़ता है उतना पॉइंट आपको लेने पड़ेंगे। आई होप आप समझ रहे हो। आप आना यहाँ पे और यही चेक कर लेना, आप समझ जाओगे आपको इतना पॉइंट चाहिए, यही पॉइंट आप टारगेट कर लेना, इतना पॉइंट आपको करना है। जैसे मेरे 2900 है और मुझे 3900 करना है, समझ रहे हो, तो मुझे जितना पॉइंट चाहिए उतना मैं कर लूँगा गेम खेल, ज़्यादा खेलना है गेम अभी, देखो फटाफट 3-4 दिन के अंदर खेल लो और कांग्रेस जाना तो पहुँच जाओ, अभी ईजी है, बाद में बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। यहाँ पर 6-7 हज़ार पॉइंट दिखेंगे, तो सुन लो 6-7 हज़ार पॉइंट करने में कितने टाइम लग जाएगा, और एक मैच में 20-30 प्लस मिलते हैं, समझ रहे हो। तो ऐसे आके आप अपना पॉइंट चेक कर ले, यहाँ पे आके चेक कर लेना, आई होप आप समझ गए हो, नहीं समझे हो तो बताना यार। एक बार बता देता हूँ आपको, यहाँ पे आकर अपना स्कोर वगैरह सब सेलेक्ट कर लेना है, ये जो बंदा है यहाँ पे कल आपको एक कांग्रेस वाला बंदा दिखेगा, उसका पॉइंट आपको देख लेना है, और आपका पॉइंट देख लेना कि आपके पास कितना है और ये पॉइंट कितना है, आपको इतना पॉइंट करेंगे तब जाकर आप कांग्रेस पहुँच पाओगे। और यहाँ पे ये पॉइंट डेली चेंज होगा, डेली आज 3900 है, कल शायद 4000 भी हो जाए, 4000 बोल रहा हूँ, 4500 से ऊपर हो जाए, ये डेली चेंज होगा भाई। तो इसलिए फटाफट पुश करना शुरू कर दो अगर कर रहे हो तो, नहीं तो बाद में आप जितना लेट करो उतना टफ होगा, आई होप समझ गए इतनी देर में। तो बस यार वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और साइड में जो घंटा है वो भी दबा देना, और भी बहुत सारी वीडियो आने वाली है अपनी कांकरर वाली, कि कैसे खेलना चाहिए क्या, और बना के भी रखा है और भी वीडियो, तो आप जाकर चैनल मेरा ओपन करो, वहाँ पर वीडियो ढूंढ लो, आपको मिल जाएंगी, समझ रहो। तो बस यार आज के लिए फिर मिलते किसी और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing.